सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। आज के इस वीडियो में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा मोटो 5G और अपकमिंग रेडमी नोट 9 5G। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले शुरुआत करते हैं फोन की डिस्प्ले से। मोटो जी 5G के साथ जो डिस्प्ले दिया गया है 6.7 इंच डिस्प्ले और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो डिस्प्ले दिया गया है 6.53 इंच डिस्प्ले। बात करूँ अगर इस फोन की प्रोसेसर की तो मोटो जी 5G के साथ जो प्रोसेसर दिया गया है डुअल कोर प्लस एक्सा कोर प्रोसेसर और नोट 9 5G के साथ जो प्रोसेसर दिया गया है क्वाड कोर प्रोसेसर। मोटो जी 5G के साथ जो इंटरनल स्टोरेज दिया गया है 128 GB दोनों फोन पर आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। मोटो 5G के साथ जो रियर पे कैमरा दिया गया है 48+8+2 यानी इस फोन पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा। नोट 9 5G पर आपको सेम ही कैमरा देखने को मिल जाएगा यानी इस ये दोनों फोन की जो कैमरा है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। मोटो 5G के साथ जो एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा पाओगे वो है 1 TB तक और नोट 9 5G के साथ जो आप एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा पाओगे वो है 512 GB तक। मोटो जी 5G के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया वो है 16MP और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया वो है 13MP। मोटो 5G और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो बैटरी दिया गया वो आपको सेम देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दोनों फोन पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन 5G पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा यानी दोनों फोन पर आपको 5G सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा। मोटो 5G के साथ जो चार्जर दिया गया वो है टर्बो पावर 20W की चार्जर और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो चार्जर दिया गया वो है 18W की चार्जर। दोनों फोन पर आपको 5-6 डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है स्नैपड्रैगन 750G और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800। दोनों फोन के साथ जो रैम दिया गया वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा 6GB 6GB। दोनों फोन पर आपको टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G के साथ जो फिंगरप्रिंट दिया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा रियर पे और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो फिंगरप्रिंट दिया गया वो है आपको साइड स्क्रीन पर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G की जो लॉन्च डेट है वो है 7 दिसंबर 2020 को ये फोन लॉन्च किया गया था और रेडमी नोट 9 5G की जो लॉन्च डेट है वो है 18 फरवरी 2021 में ये फोन आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा इंडिया पर। दोनों फोन की जो MRP रखा गया है वो भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G की जो MRP रखा गया है वो है 18,999 और रेडमी नोट 9 5G की जो MRP हो सकता है वो है 14,590 रुपीज। तो ये जो प्राइस है मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो पता चलेगा इसका जो एक्यूरेट प्राइस क्या है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोटो जी 5G की जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.7 इंच डिस्प्ले और यहाँ पर आप देख ही सकते हो रेडमी नोट 9 5G की जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.53 इंच डिस्प्ले। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मोटो जी 5G की जो डिस्प्ले है वो 6.7 और यहाँ पर रेडमी 9 5G की जो डिस्प्ले दिया है वो है 6.53। तो भाई मेरे ख्याल से 53 इंच बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर भी आपको फर्क देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो आप बात कर रहे थे इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखते हो मोटो जी 5G के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है डुअल कोर प्रोसेसर और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है क्वाड कोर प्रोसेसर। तो आप बोलोगे कि इन दोनों स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर दिया गया इनमें से कौन सा स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो जी 5G की जो प्रोसेसर है वो है डुअल कोर प्रोसेसर। तो आप यूँ समझ लो कि इस फोन के अंदर आपको दो हाथ देखने को मिल जाएगा और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है क्वाड कोर प्रोसेसर। तो इस के अब अंदर आपको चार हाथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो चार हाथ वाला जो स्मार्टफोन है वो कितना ज्यादा काम कर सकता है और दो हाथ वाला जो स्मार्टफोन है वो कितना ज्यादा काम कर सकता है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोन के साथ जो चिपसेट दिया गया वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800। तो अगर आप बोलोगे कि अगर आप गेमिंग के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपको कौन सा वाला चिपसेट आपको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो जी 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। तो ये गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है, ये जो चिपसेट है वो अच्छा माना जाता है गेमिंग के लिए। दोनों फोन के साथ जो फिंगरप्रिंट दिया गया यहाँ पर आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। मोटो जी 5G के साथ जो फिंगरप्रिंट दिया गया वो है रियर पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा और रेडमी नोट 9 5G के साथ जो फिंगरप्रिंट दिया गया वह आपको साइड पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला फ़ोन लेना चाहते हो।
तो अब बात आती है दोनों फोन की प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने वीडियो के पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो जी 5G की जो प्राइस रखा गया है वो है 18,999, यानी इस फोन की जो प्राइस है वो है 19,000, और रेडमी नोट 9 5G की जो प्राइस है वो है 14,590। तो ये हो सकता है, तो मैं पूरा श्योर नहीं, यानी ये जो स्मार्टफोन है आपको करीबन तो आपको 16,000 के अंदर आपको इंडिया में लॉन्च होने के बाद आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अगर इससे ऊपर होता है तो आप ये स्मार्टफोन ना खरीदे। अगर ये स्मार्टफोन 16,000 से ऊपर इंडिया में लॉन्च होता है तो आप ये स्मार्टफोन ना खरीदे, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कंपेयर वीडियो में आपको इसका जो चिपसेट है उतना अच्छा नहीं मिलता जो गेमिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ये मेरे हिसाब से ये आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी आपका राय क्या है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।